वेलकम टू माय इनसाइट पावर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सिलेबस ऑफ द पेट, दैट इज पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर द राष्ट्र संत तुकड़ो जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। जैसे कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट इज द सिलेबस फॉर पेट एग्जाम, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर एंड व्हाट विल बी द मार्किंग सिस्टम। सो दिस वीडियो इज फॉर दैट। द डिटेल इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन दिस पेट एग्जाम, सो वी विल सी नाउ। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशंस इन वेरियस स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड इवन पीएसयू जॉब रिक्रूटमेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस यूनिवर्सिटीज। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, वॉच दिस वीडियो टिल एंड प्लीज सब्सक्राइब। सो लेट्स सी नाउ। अभी हम राष्ट्र संत तुकड़ो जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही है। आप अगर नोटिफिकेशन देखते हो तो यहाँ पे उन्होंने डिटेल में लिखा है। मैंने ये नोटिफिकेशन पहले भी दिखाया था, वीडियो बनाया था, लेकिन फिर यहाँ पे फॉर द सिलेबस ऑफ द पेट एग्जाम वी आर सीइंग हियर। अभी हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है पेट रेफर डायरेक्शन नंबर 6 ऑफ 2021। सो उससे पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन नंबर 32 ऑफ 2019 देखते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन 2019 में यहाँ पे लिखा है, जो कि पेट 2019 का एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पे जो भी सिलेबस था और पैटर्न था पेपर का, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो देयर वॉज टू एग्जाम्स, दैट इज पेट वन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड सेकेंड वॉज द पेट टू, दैट इज द ओनली फॉर पीएचडी प्रोग्राम। दैट मीन्स यू हैव टू फर्स्ट क्लियरिफाई पेट वन एग्जाम एंड देयर आफ्टर यू हैव टू क्लियरिफाई द पेट टू एंड आफ्टर दैट यू विल बी द क्वालिफाइंग फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। सो यहाँ पे पेट वन में क्या था, पहले जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट था जो कि 90 मिनट्स का था, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस रहते थे एमसीक्यूज के लिए, एनालिटिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, कंप्यूटर एंड एनवायरनमेंट अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। सो दिस वॉज द सिलेबस फॉर द जनरल एप्टीट्यूड एंड पेट वन एग्जाम एंड देयर आफ्टर निगेटिव मार्किंग शैल बी 0.5 मार्क्स एज पर द रॉन्ग आंसर। सो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी था और ये क्वालिफाई करने के बाद आपको पेट टू एग्जाम के लिए आप इलिजिबल होते थे और वहाँ पे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी रहता था, तो वहाँ पे भी रिसर्च मेथोडोलॉजी एप्टीट्यूड रहता था और उसके बाद स्पेशलाइज सब्जेक्ट रहता था। तो यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर द परसेंटेज विल बी 40% एंड इन बोथ सेक्शन एंड एग्रीगेट विल बी 50%। सो दोज कैंडिडेट विल क्वालिफाई ओके फॉर द टेस्ट। बट नाउ दे हैव क्लियरली स्टेटेड एज रेफर द डायरेक्शन नंबर ऑफ 6 फॉर द 2021 फॉर द अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। सो वी हैव ओपन दैट यूनिवर्सिटी डायरेक्शन। सो आप अगर चाहते हो तो यहाँ पे पीएचडी डायरेक्शन से पीएचडी डायरेक्शन में जाके यहाँ पे डायरेक्शन नंबर 6 डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है डायरेक्शन नंबर 6 और आपका पेट का एग्जाम किस तरह होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी रिगार्डिंग आप पेट के लिए एलिजिबल हो या फिर आपको पेट देना चाहिए या नहीं चाहिए। सो ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो ये वीडियो लास्ट एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे लिखा है नीड फॉर द टेस्ट, किनको जरूरत है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देने की। तो यहाँ पे लिखा है बीइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू द एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम ऑफर्ड इन द यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग इट्स ऑटोनॉमस कॉलेज इंस्टीट्यूशंस डिपार्टमेंट्स द यूनिवर्सिटी एंड इट्स ऑटोनॉमस कॉलेज इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट शॉल कंडक्ट ट्वाइस इन द ईयर दिस टेस्ट प्री डिक्लेयर्ड सेंटर्स। सो यहाँ पे लिखा है कि ट्वाइस इन अ ईयर ये टेस्ट कंडक्ट होता है। इट शॉल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड, हाउ एवर यूनिवर्सिटी मे कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन मोड फॉर सीनियर सिटीजन इफ रिक्वेस्ट हैज बीन मेड इन दिस रिगार्ड्स ओके। सो ये जो टेस्ट है क्यों होना चाहिए, तो इसका ये क्या है, पी एच डी एंट्रेंस टेस्ट इज अ बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर एम फिल ओके। आफ्टर दैट एग्जामिशन फॉर पेड फॉर पी एच डी प्रोग्राम, किनको देना चाहिए और किनको नहीं देना चाहिए, तो आप ये पे देख सकते हो कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, एसएलईटी, गेट, जीपैट, डीएसटी इंस्पायर एंड टीचर फेलोशिप ऑफ द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज होल्डर
और द एम फिल प्रोग्राम हैव पास्ड, ओके, सो दे विल एग्जेम्प्टेड फॉर द पेट एग्जाम। सो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है, यूनिवर्सिटी फॉरेन एंड एनआरआई कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन मास्टर्स डिग्री विद 55% और इक्विवेलेंट सीजीपीए एंड पास्ड पेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी। सो कैंडिडेट ऑलरेडी पोसेसिंग पीएचडी डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी शैल ऑल्सो बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेट। जो भी अगर कैंडिडेट पहले से पीएचडी डिग्री है या फिर परस्यूइंग कर रहा है, प्रोसेसिंग में है, सो दोज कैंडिडेट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेट। सो यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ द पेट रिजल्ट लिखा है, आपका ये रिजल्ट फॉर एवर यहाँ पे वैलिड रहता है फॉर द पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो आप आपके करियर में, लाइफ के करियर में, आप पीएचडी कभी भी एडमिशन लेते हो तो ये स्कोर जो रहता है वो वैलिड होता है। तो यहाँ पे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आप देखते हैं, तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में उन्होंने इस क्लियरली लिखा है, एग्जामिनेशन शॉल हैव मैक्सिमम 100 मार्क्स एंड डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए इज रिगार्डिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जनरल एप्टीट्यूड, वेर एज सेक्शन बी सब्जेक्ट एप्टीट्यूड, मीन्स आपका जो भी मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी ब्रांच है, या फिर ह्यूमैनिटीज है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, जो भी है, साइकोलॉजी है, वो रिलेटेड दैट सब्जेक्ट रहेगा। ईच सेक्शन शॉल हैव मैक्सिमम 50 मार्क्स, तो 50 मार्क के लिए एक सेक्शन रहेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। विल हैव ओनली 1 मार्क्स ईच, ओके। द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर द एग्जाम विल बी 90 मिनट्स, दैट इज 1.5 आवर्स। देयर आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ टू सेक्शन विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे विद अ टाइम गैप ऑफ मिनिमम 1 आवर बिटवीन टू एग्जामिनेशन, एंड द डेट एंड द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन शॉल बी इंटीमेटेड वेल इन द एडवांस, ओके। आपको वो टाइमिंग दिया जाएगा। आफ्टर दैट उन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है सिलेबस। सो बहुत लोगों को सिलेबस भी चाहिए था, तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सा सिलेबस रेफर करना है, तो आप ये सिलेबस रेफर कर सकते हो। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी और जनरल एप्टीट्यूड में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, दीज आर द पॉइंट्स, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च, प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू लिटरेचर, डिफाइनिंग और रिसर्च, मीनिंग एंड द टाइप ऑफ रिसर्च, ये सारे जो पॉइंट्स है रिगार्डिंग द रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो ये आप प्रिपेयर करना। उसके बाद एप्टीट्यूड जो रहता है, रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस, लाइक 40 मार्क्स ऑन दिस रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस विल बी ऑन द एनालिटिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड लैंग्वेज कंपिटेंसी में भी आस्क, ओके। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव में से आपको 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये रहा आपका सेक्शन ए का सिलेबस, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ओके। आफ्टर दैट द पेट कमिटी शैल रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग सुटेबल क्वेश्चन बैंक ऑफ एमसीक्यू फॉर द सेक्शन, ओके। देर आफ्टर सेक्शन बी जो रहता है वो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50 मार्क के लिए 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द करिकुलम प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड ऑफ द स्टडीज ऑफ द कॉन्सर्न सब्जेक्ट, जो कि आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के ऊपर आपका यूजी का जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट के ऊपर आपका ये सिलेबस रहेगा। आप देख सकते हो बोर्ड ऑफ स्टडीज विद कॉन्सर्न सब्जेक्ट एंड पेट कमिटी शॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एमसीक्यू। सो आपको अगर कोई सिलेबस चाहिए रिगार्डिंग हर एक सब्जेक्ट का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपके लिए और एक सब्जेक्ट का सिलेबस लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिलेबस। सपोज आई हैव सर्च फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सो यहाँ पे पेट 2 एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे उन्होंने सिलेबस दिया है, तो आप ये सिलेबस भी रेफर कर सकते हो, जो कि मैक्सिमम पूछा जाता है। ये प्रीवियस ईयर पेड सिलेबस है, तो यहाँ से आप ये मेंशन कर सकते हो। यहाँ उसके बाद आप अगर सिविल चाहते हो तो सिविल में भी उन्होंने दिया है, यूनिट 1, यूनिट 2, दिस आर द सिलेबस, ओके। हर एक ब्रांच के लिए यहाँ पे बहुत लंबा पीडीएफ है, ये 180 पेजेस का, तो बहुत सारा सिलेबस यहाँ पे उन्होंने दिया है। आप ये सिलेबस रेफर कर सकते हो फॉर द पेड एग्जाम फॉर द स्पेसिफिक सब्जेक्टिव टेस्ट, ओके। देयर आफ्टर आप यहाँ पे देख सकते हो स्टैंडर्ड ऑफ पासिंग, यहाँ पे स्कोरिंग कैसे रहेगा। सो पेट एग्जामिनेशन विल हैव मिनिमम 40% इन ए सेक्शन, आपको 40% मार्क मिनिमम लेके आना है सेक्शन ए और सेक्शन बी में, और उन दोनों का एग्रीगेट 50% मार्क होना चाहिए मिनिमम। सो ये दो क्राइटेरिया है, यानी कि सेक्शन ए में 40% मिनिमम चाहिए
और सेक्शन बी में भी 40% मिनिमम चाहिए। ओके, सपोज 50 मार्क्स है तो 20 20 मार्क्स को आपको लाना ही है। ओके, आफ्टर दैट आपको आउट ऑफ 100 से 50% मार्क एग्रीगेट लाना है, मतलब आपको 100 में से 50 मार्क्स तो लाना है इस पूरा पेपर में। आफ्टर दैट ये पीएचडी सेंटर्स जो है, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट शैल बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी एट सेंटर्स नोटिफाइड बाय एडवांस। ओके, सो एज दिस कोविड इज गोइंग ऑन, सो आई डोंट थिंक सो पेट विल बी इन द ऑफलाइन, पेट विल बी द ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड ओनली। सो इन दिस वे दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिलेबस, स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर एंड द मार्किंग सिस्टम। इफ यू हैव एनी डाउट सो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू गिव ऑल पॉसिबल आंसर्स। सो स्टे वॉच ऑन दिस वीडियो, स्टे वॉच ऑन दिस चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।